नमस्कार साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगेश कुमार पर आज की वीडियो में हम बातें करेंगे यूपी टी जी टी पी जी टी न्यूज़ टूडे एक हज़ार छब्बीस ने टी जी टी पी जी टी शिक्षकों के पदों पर विज्ञापन की तैयारी टी जी टी पी जी टी दो हज़ार इक्कीस का समायोजन और तदर्थ शिक्षकों के बारे में प्यारे साथियों यूपी टी जी टी पी जी टी दो हजार इक्कीस के समायोजन को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था सचिव कार्यालय पर अब वो रविवार को समाप्त हो गया है और क्या आश्वासन मिला है यह सब कुछ इस वीडियो में और नए पद जो दो एक हज़ार छब्बीस के टी जी टी पी जी टी वाले पद हैं ये नए पद सर्जित होने जा रहे हैं क्या है पूरी प्रक्रिया जाने सब कुछ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखें यदि आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा जाद से ज़्यादा और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सचिव के आश्वासन पर धरना समाप्त क्या है पूरी खबर प्रयागराज से सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के दो में चयनित अभ्यर्थियों के, के विभिन्न कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में बाधा अर्थात चयनित अभ्यर्थियों का पाँच दिनों से धरना चल चला रहा था समायोजन को लेकर अब यह आश्वासन मिलने पर समाप्त हो गया है शिक्षक संघ एकजुट हुए उपाध्यक्ष उमेश उपेंद्र वर्मा ने चयन बोर्ड सचिव नवल किशोर से चयन शिक्षकों की पीड़ा बताई पर देख संरक्षण डॉक्टर हरिप्रसाद यादव ने समायोजन समाधान होने तक संघर्ष में साथ देने का किया वादा रविवार को धरना समाप्ति पर शैलेंद्र से, और शीनू जायसवाल नीरज आदि एकत्रित प्रयागराज टी जी टी पी जी टी दो हज़ार इक्कीस में चयनित शिक्षकों को पाँच अप्रैल से पहले विद्यालयों में समायोजन कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव की ओर से यह आश्वासन मिलने के बाद चयन बोर्ड पर पाँच दिनों से जारी धरना रविवार को समाप्त कर दिया गया चाइनित अभ्यर्थियों का समायोजन के लिए कई दिनों से चयन बोर्ड के दफ्तर पर चक्कर लगा रहे थे आश्वासन मिलने के बाद बोर्ड पर जारी धरना हुआ समाप्त युवा मंच के बैनर तले चयन बोर्ड पर धरना दे रहे अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जब तक समायोजन नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन को पूर्ण करने का आग्रह किया था और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चंद एकजुट होकर पदाधिकारियों ने भी रविवार को चयन बोर्ड पर जारी धरने में शामिल होकर अभ्यर्थियों का साथ दिया आंदोलन में और समर्थन किया युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार देर रात प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने अभ्यर्थियों के बीच आकर आश्वासन दिया कि पाँच अप्रैल से पहले समायोजन पूर्ण कर लिया जाएगा प्यारे अभ्यास तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सर्जित होंगे एक हजार छब्बीस पद नवोदय विद्यालय समिति से भर्ती कराने की तैयारी संचालित होने वाले अटल आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया पर सहमति बन गई है इन विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षणत्तर कर्मचारियों के एक हजार छब्बीस पद सर्जित होंगे जिनमें से दो सौ अठासी पद प्रवक्ता पीजीटी और चार सौ छियासी पद सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के शामिल हैं यह विद्यालय केंद्र सरकार के नवोदय विद्यालय की तर्ज पर चलेंगे विद्यालय की अक्षमता होगी एक हजार विद्यार्थियों की होगी इन विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है जिनका अगस्त और सितंबर तक बनकर तैयार होने की पूरी पूरी संभावना है अब सरकार नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालयों में एक हजार छब्बीस और पी के पदों का विज्ञापन निकालने जा रही है प्यारे अभ्यर्थियों तदत्त शिक्षकों के बारे में न्यूज है कि दो, दो तक के कार्यरत सभी तदत्त शिक्षक नियमित होंगे ओके साथियों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत जय भारती